टाटा पंच का एक नया वॉक अराउंड वीडियो आया है, जिसमें आप इस गाड़ी के बारे में सारी एक्सटीरियर की डिटेल्स को देख सकते हैं। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक है, इसका फ्रंट से देखने पर पूरे एसयूवी जैसा स्टांस है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको नेक्सॉन जैसी ग्रिल मिल जाती है, जिसमें आपको साइड में एक कटआउट मिल जाता है टायर और पैटर्न का, जिसके अंदर हॉर्न लगा है। यहाँ पर इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं वाइट लाइट वाले। इस गाड़ी में भी आपको नेक्सॉन के जैसे ग्रिल के नीचे ही क्रोम की लाइन मिलती है, और यहाँ पर इसमें आपको हैलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। इसका बम्पर आपको पूरा ब्लैक मिलता है फ्रंट में। और साइड की बात करें तो साइड में इसमें आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी बड़ी बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है, आपको पंच की बैजिंग मिल जाती है, और इसमें आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं ट्रायर और पैटर्न वाले। पीछे आपको बम्पर में इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं दो, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। पीछे से इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है। पीछे आपको वाइपर वॉशर डिफॉगर इसमें सब मिल जाता है। इसमें आपको इस तरीके का डोर मिलता है, जिसमें आपको वाइट कलर की फिनिश मिल जाती है। और इस गाड़ी की इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको साइड में पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, और इस एल्ट्रोस के जैसे ही इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिलती है इसमें आपको 7 इंचेस की, उसके नीचे आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं। इस तरीके का आपको इसमें स्टेयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। ऊपर इसमें आपको डुअल टोन रूफ मिल जाती है, और इसमें आपको बूट स्पेस लगभग 250 से 300 लीटर तक की मिल जाएगी। इसमें आपको आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल और AMT ट्रांसमिशन भी मिलने वाला। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी टाटा पंच के बारे में।